के साथ जीत देना ये ठीक है, या फिर प्रोग्राम अगर बच्चों को बुला दिए तो शुरू कर देना था हम आज में आगे, क्योंकि मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम पूरा टाइम दे नहीं सकते। बहरहाल फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आ जाए। ये बच्ची ने जो भरपूर में तकलीफ की, तो तकलीफ में पूरे जिले की स्कूलें थी और उस जिले की स्कूलों में पहला नंबर ली वो बच्ची ने। ये हमारे लिए मौलाना अब्दुल रज्जाक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के लिए फख्र की बात है, हमारे असातिज़ा के लिए फख्र की बात है, अंजुमन के सदर अराकीन के लिए फख्र की बात है और बच्चे और बच्चियों के लिए फख्र की बात है। तारुफ होना चाहिए, जो बच्चा लायक है उसको सामने लाना चाहिए, अबू जर को लायक हो फिर भूल गए एंग्लो उर्दू हाई स्कूल को मिलेगा। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नहीं पलटते, उन्हें परेशानी भी हो लेकिन अच्छे परेशानी के साथ। तुमको अगर कौम को आगे ले जाना है तो खुद की भी कुर्बानी देना पड़ेगी और खुद को भी आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ सिलेबस पूरा कर दिया और हमारा हक अदा हो गया, ये बात दिलो दिमाग और जहन से निकाल दो। हम ये प्रोग्राम रखेंगे, हम वो प्रोग्राम रखेंगे। अरे प्रोग्राम रखो, करने का काम तुम हजरात का है, टीचर हजरात का है, जो अंदर जाके मिलना था उनका है। ये मासूम बच्चे, ये नमनियाल बच्चे और बच्चे, इसको अगर तुम अभी से जहन में डालेंगे कि कौम को मिलत की, मुल्क को मिलत की खिदमत कैसे की जाती है, एक कौम को कैसे आगे ले जाया जाता है, ये तुम्हारा काम, हमारा काम नहीं। हमको अल्लाह ने जो सलाह की अदा करने की हम कोशिश करते हैं। हम अपने आप को बहुत सलाहियत नहीं समझते, पर ये भी समझ लो कि हम कोई पिछड़े हुए ये भी नहीं समझते। अल्लाह हम हमारे पास जो सलाहियत है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रात में लेट आया और अल्लाह का एहसान और करम है कि पूना में जो प्रोग्राम हुआ, पूना के प्रोग्राम में अविनाश धर्म अधिकारी भी थे, क्योंकि आए अधिकारी जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट किया वो भी आए थे। वहां के राष्ट्रपति के जिले के शहर के अध्यक्ष, उसका तुम हक अदा करे, अल्लाह उसका अजर अजीम अता करे, पर हक अदा नहीं करेंगे तो लाल सुंदर भी ये कहता है कि कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अयाचिया, कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अयाचिया, मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों के। और जिन्होंने हक अदा किया वो टीचर हजरात उनकी पीढ़ी का पीढ़ी दुरुस्त रहे, कौम मेहनत की खिदमत करे, अच्छे अहदों के भाई, अच्छे ताजीर है, ईमानदार दयानतदार ताजीर है। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि एहसास से अमल की चिंगारी, एहसास से अमल की चिंगारी जिस दिल में भरोसा होती है उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आग का आंसू मोती है। हक अदा करने वालों के लिए अल्लामा इकबाल ने यह कहा, हमको हक अदा करना पड़ेगा। इस दौरे बल्कि दौरे जाहिलियत भी बोले तो चलेगा, ये हुकूमत तुम्हारी को मना और नष्ट नाबूद करने के पीछे, हमको मोहब्बत से हमारे हम वतन भाइयों से ताल्लुकात उस्तवार करना है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं हम, अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। इस वतन से वफादारी ये इस्लाम कहता है, दिल के हर गोशे में हम हिंदुस्तान रखते हैं।